देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स ब्रेक न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तेज रफ्तार का कहर, फिर ली तेज रफ्तार ने एक महिला की जान और बेटा हुआ घायल, पैर की हड्डियां टूटी और अपनी जिंदगी से हुआ बेहाल। थाना जानी जिला मेरठ गांव दौलड़ी दिनांक 22/10/2020 को सुबह 11 बजे साबू इदरीसी अपनी बाइक की यूपी 14EB 1352 से अपनी मां रुखसाना इदरीसी के साथ गांव कालंद में एक मौत में जा रहे थे। नहर पटरी भोला जाल से पहले पीछे से आ रही एक ग्रे कलर बुलेरो कार यूपी 14DB 5894 ने पीछे से मारी टक्कर। बाइक सवार साबू इदरीसी और उसकी मां रुखसाना इदरीसी बाइक से नीचे गिर गए व गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को शुभार्थी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पहुँचते ही महिला की मौत हो गई और साबू इदरीसी गंभीर रूप से घायल हैं, जिसके पैरों की हड्डियाँ टूटी हुई बताई जा रही है। इस पूरी घटना में साबू इदरीसी के भाई राशिद इदरीसी भी दूसरी बाइक से माँ और भाई साबू के साथ ही थे, जिनके द्वारा इस पूरी घटना की जानकारी मिली। थाना जानी में हुआ मुकदमा दर्ज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जिला के गांव दौलड़ी के अंदर, जहाँ पर हादसा कल बहुत ही दुख हुआ है। आइए हम बात करते हैं उनसे। आपका नाम? कल जो घटना हुई है किस तरह से हुई है? करीब 11 बजे की बात है, सुबह हम यहाँ से निकले मौत के लिए। हमारी दादा सुबह अस्पताल हो गया था, हम वहाँ जा रहे थे और वैसे ही हम भैया थे हमारे, मैं था और मेरी वाइफ थी, मेरी एक वाइफ मेरे पास थी, इनके पास थी, उनके साथ अम्मी थी हमारी और मेरा लड़का था छोटा, मेरे साथ मैं और मेरी वाइफ। जैसे हम जा रहे थे तो जाननी तो की जो नहर की पटरी है इससे आगे निकल के ओला की झाल से आधा किलोमीटर करीब अलपुर है, मेरे पीछे से ब्लैक और कार वाले ने कट मार कर बाइक निकाल के और पीछे जा रही थी। आपकी कितनी स्पीड थी? हमारी गाड़ी की स्पीड करीब 30 या 40 के लगभग, बहुत स्लो में चल रही थी। उसकी स्पीड करीब 70 के लगभग थी। पहले आपको ओवरटेक करा? पहले मुझे ओवरटेक करा, मैं बच गया, फिर भैया के पास में जा रहा, हमारे दोनों के आपस में आगे पीछे 20 या 22 कदम की दूरी का था, ऐसे ही ओवरटेक किया, उन्होंने जैसे बढ़ाया तो मैं जा रहा पीछे से टक्कर। आपकी वापस चोट कहाँ आई थी? हमारी वापस चोट जो है हमारे देखने में तो कहीं बाहर से थी नहीं, लेकिन मुझे चोट थी उनकी, वहाँ हमें पैसा नहीं गया, वैसे कुछ नहीं पता चला। जैसे ही मैंने इनको उठाया अपनी बाइक रोक के, उनके पैर उनके साथ उनकी पैर की हड्डी टूट गई, फिर मैंने उनको उठाया, उन्हें देखा, उनसे पूछा कि क्या बात है कैसे, उन्होंने बताया कि मेरा कोई चोट नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, मगर कहीं हो तो मुझे बता दो। उन्होंने कहा कि हम कोई नहीं पूछना भैया को देखा। जब टक्कर हुई थी तो कार वाला मुझे लाल पूछ सकते थे? कार वाले ने पहले तो रोक दिया मैंने, कि वो बाइक मैंने बीचों बीच खड़ी कर दी थी सड़क के, फिर किसी व्यक्ति ने वो बाइक हटा के साइड किनारे पे कर दी, मैं अपनी बात को भैया को देख रहा था, तो वो बाइक ब्लैक वाला करीब 50 कदम की दूरी पर आगे ले गया अपनी ब्लैक, उसके साथ उन्हें की कार थी 1 Swift Dzire, तो वे पीछे थे, कहीं साउथ के भी रहने वाले थे बाकी जिले की तरफ से और भी चूड़ी बनाने जा रहे थे। लेकिन गाड़ी चला जो Swift Dzire वाले थे उनके परिजन थे जो वहाँ जा रहे थे, जिनके साथ हादसा हुआ, उन्होंने इतनी वो करी, जब पहले भागने की कोशिश करी, फिर भागते भागते मैंने उनसे ये कहा कि भाई तुम्हारी इंसानियत के तौर पर कम से कम इतना तो करो कि यहाँ से ही ना नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके भर्ती करा दो, बाकी जो भी होगा हम अपने परिवार वालों के साथ में कर लेंगे, हम किसी को इतला कर देंगे, हमारे घर कोई ऐसा नहीं। या मैं ना एक आदमी दो मेरी वाइफ और दो बाइक में उन्हें कैसे कैसे ले जाऊँ, किस चीज़ को ले जाऊँ, मेरा खींच रहा हूँ। तो उन्होंने पहले तो कहा कि उनका ठीक है हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, हम वापस गाँव में आने लगे तो उन्होंने सुना कि वापस गाँव में जा रहे हैं तो कुछ केस बन रहा है, कुछ दिक्कत हो तो कहने लगे इस काम को तुम एक काम करो एम्बुलेंस बुला लो और हम बार में फ़ोन कर दो ऐसा हो। मैंने जैसे ही फ़ोन निकाला तो उसने लगे, फिर मैंने उन्हें भाग के पकड़ा, फिर
चाहते हुए भाग ना जाऊँ। मैं उनकी गाड़ी की चाबी निकालने के लिए गया, उन्होंने जैसे ही मैं चाबी निकालने के लिए गया तो जो ड्राइवर सीट पर उसका लड़का बैठा था, उन्होंने मेरे पीछे को धक्का दे दिया, गाड़ी लॉक कर दी। पीछे उनके पिताजी थे जो थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये पकड़ो 2000 रुपये, क्योंकि उनका कहीं भी इलाज करा सकते हो, गलती हमारी नहीं थी, मगर ये गलती गलती तुम्हारी थी क्योंकि गाड़ी जो है तुमने पीछे से ठोकी है। अगर हमारी गलती होती तो साइड लगती तुम्हारी कार से, हमारी गलती नहीं थी, हम किनारे पे चल रहे थे, तुमने ओवरटेक किया रहा है ऐसे बोलते हैं। तो फिर वहाँ से कौन से हॉस्पिटल में गए? वहाँ से महावीरा हॉस्पिटल में हमको पुलिस वाले ने ले गए। पुलिस जो है प्रधान जी ने जो पूरा गाड़ी उनकी रुकवा दी थी भोला चौकी पर, तो अपनी गाड़ी में वापस हमें ले करके गए और भोला चौकी पर जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी फिर हमें पुलिस वाले के साथ साथ ड्राइवर और वो गाड़ी मेवाती होती में महावीरा हॉस्पिटल में छोड़ कर गई। वहाँ हमारी अम्मी को मृत्यु घोषित कर दिया उसी हॉस्पिटल में, कि इनमें कुछ नहीं है। मैं वहाँ से उनको लेके फिर सुभारती आया, ठीक है बताओ इनके देखने में कुछ कमी हो। मैं सुभारती आया तो सुभारती में भी उन्होंने जवाब दे दिया, मृत्यु घोषित कर दे दी। पोस्टमार्टम जो हुआ वो सुभारती से रेफर होने के बाद, ये सुभारती बाईपास पे सुभारती लगने पर पहुँचा, जिसने बता दिया कि उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने अपने जो छाया कपड़े गर्म करे थे अभी जो गाड़ी वाले खिलाफ उनको तो कर्ज हुआ है। जी हाँ, गाड़ी वाले के खिलाफ तो उसकी कॉपी वगैरह मिली आपको? जी अभी नहीं मिली, अभी हम अपनी मामले को लेकर अभी आए हैं पोस्टमार्टम से। यार वैसे कल सारा दिन हो गया हम इसी काम में भागेंगे, अब भैया को लेकर जा रहे हैं, तो ये जो फोटो कॉपी है FIR की अभी लाइव कहाँ लेके जाएंगे हम? अब भैया हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, अभी हमारे जो